आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैडम करवा देना मैडम, बहुत 5-6 साल हो गए उनको प्रदर्शन होते थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे उनको। आप थोड़ा सा देख लेना विशाल, विशाल चक्का जाम किया था। अरे आपके रोड पे करा था, उसमें पुलिस वाले पकड़ के लेके आए थे, भर्ती कर लिया,
सुबह फिर मेरे को फोन करके बुलाया, भैया आओ, मैं आया तो ये बोला यार भैया इनका साफ सफाई करो। मैंने बोला मैं नहीं करूँ साफ सफाई, कैसे करूँ भैया, मैं दो बच्चों को संभालूंगी, इनकी साफ सफाई करूँ, ये करूँ। तो बोले अभी तो इनको थोड़ी देर लेके जाओ पुलियाना से। पुलिस वाला क्या बोलता है, भैया तुम लेके क्यों गए? एक तो बोलते कि लेके चल जाओ थोड़ी देर घुमा के ले, फिर बोलते लेके क्यों गए? तो मकान का भी बता दो। अरे मकान की समस्या, वहाँ पे बोला कि निरस्त हो जाएगा मकान तुम्हारा, इतनी भरोगे तो बार बार फोन लगाते हैं। वो तो मकान है, मकान चलिए परेशान करते हैं। तो 12 बज गए, मैडम करवा देना मुझे, बहुत 5-6 साल हो गए उनको प्रदर्शन होते थे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा सा देख लेना विशाल, अरे ये तो के लिए लेटो हुए आप क्या साहब चाहिए? मैं वो मेरा इलाज करवाए, मैं जैसे चलती फिरती यहाँ एमजी में आई, एसी के एसी मैं वो घर पर वापस पहुँचाई चलते फिरते। बच्चों का बोलो ना, और बच्चे भी मेरे दो, ये बच्चे के टाइम पे ऐसा हुआ था, ये वाला 5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? गिरजा कुमार। यार आपको क्या व्यवस्थाओं से कहा ला चाह रहे? हमारा ये कहना है कि हमारे को 4 कलेक्टर हो गए, अभी कलेक्टर साहब ने भी आदेश दिए कि इनको जो भी परेशानी है, इनको क्या परेशानी थी इनको शुरुआत में, इनको डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्शन गलत लगाया, इससे इनका धड़ पूरा काम करना बंद कर दिया, और जब से इनका धड़ काम करना बंद कर दिया, अब इनके इलाज के लिए हमें आदेश भी दिया गया कि जो भी इनकी दवाई गोली जो भी चल रही है और इनको अस्पताल में भर्ती करके इनका पूरी व्यवस्था की जाए। तो अब हम जैसे व्यवस्था के लिए मांग करते हैं, जब वो बोलते हैं 1 दिन के लिए देते हैं, उसके बाद जो भी व्यवस्था मांगते हैं कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं मिलती हमारे को। आपने ये ऑपरेशन कितने वर्ष पहले करवाया था और कहाँ करवाया था? एमजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए ले गए थे 5 साल पहले, सन 2016-11-2017 में। तो क्या इंजेक्शन के कारण ये स्थिति बनी? हाँ, इंजेक्शन के कारण ये स्थिति हो गई, 3-4 बार एनएसएसिया इंजेक्शन लगा, इसके कारण ये पहले लाइन हो गई। अभी जनसुनवाई में कलेक्टर साहब ने तेमोचा साहब को जो आदेश दिए थे कि इनका पूरा इलाज होगा, तो उसमें क्या हुआ? तो उसमें कुछ नहीं, हमको जैसे भर्ती कर दिया, हम वहाँ पर भर्ती भी हो गए, हमने बोला कि सर इनकी डायपर वगैरह की व्यवस्था करो, तो डायपर के लिए हमारे को एक बार पैकेट ला के दिया, फिर मैं दूसरी बार गया तो बोलते हैं कि भैया अभी तो ला के दिए थे, तो मैंने बोला सर 1 दिन का काम थोड़ी है, तो 1 दिन में 4 से 5 चाहिए, तो मेरे को तो डेली चाहिएगा। तो बोलते कि हम कहाँ से ला के दे बार बार तुम्हारे को डायपर, खाने पीने की व्यवस्था बोली तो बोले हम जो यहाँ पे खाना मिलता है वो दे देंगे, वो तो सबको देते हैं। आपको अस्पताल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है वहाँ। अभी आप बताओ 4 कलेक्टर वाली जो आप बात कर रहे हैं, तो कोई से भी कलेक्टर ने आपकी मदद नहीं करी? सबसे पहले कलेक्टर है आशीष सिंह साहब, उनने मदद की थी, हमारे प्राइवेट तौर पे भी की थी, उनने फिजियोथेरेपी के लिए प्राइवेट करवाया था। तब क्या आपकी पत्नी पाँव पर खड़ी हुई थी? हाँ, मतलब उससे थोड़ी व्यवस्था, आज ये थोड़ी मतलब पैर वगैरह हिला लेती है आज थोड़ा बहुत, तो मतलब है पहले से थोड़ी, मतलब मानते हो वो इलाज छूटने के बाद कहने का परेशान हो गए? बहुत परेशान। क्यों छूटा था वो इलाज? तो पैसे के कारण बस, उसके बाद जो पैसे थे उससे जो इलाज चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर रुक गया इलाज। आपका आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है।
इससे नहीं हो रहा क्या? आयुष्मान कार्ड में पीएचएसपी वगैरह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है प्राइवेट तौर पर। अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप क्या और रहते क्या अभी आप? हम अभी सरकारी मल्टी चंद्रशेखर आया नगर में रहते हैं। अभी आप बता रहे थे कि मल्टी खाली करने की बात कर रहे हैं। हाँ मल्टी के लिए भी हमारे को बोला जाता है कि भैया इसका किस्त लोन की किस्त जमा करो नहीं तो निरस्त कर दिया जाएगा आपका मकान। आपने मुख्यमंत्री के दरवाजे भी खटखटाए? खटखटाए और वहाँ पे भी भोपाल भी जाके आया हूँ, वहाँ से भी हमारे को कोई समाधान नहीं मिला। वहाँ से भी हमारे को ऐसे ही पूछा दिया गया। यहाँ पे एक बार कलेक्टर साहब के नाम पे लिख के दे दिया था, कलेक्टर साहब ने 10,000 का चेक ला के दे दिया, बोला कि जाओ बस। अब हमको पैसे देने से क्या होगा, इनका इलाज नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं। 4 महीने पैसे कितने दे देंगे दे दे के। अब क्या चाहते हैं सर? इलाज चाहता हूँ बस, पूरी तरह हो जाए और मेरी व्यवस्थित हो जाए, मेरे बच्चे भी व्यवस्थित हो जाए। इनकी पढ़े लिखे छूट गई, सब छूट गया। आज हम दर दर भटक रहे हैं, कुछ भी हमारा कोई समाधान ही नहीं हो पा रहा। हाथ से तो चल फिर नहीं सकती, पाँव पूरा खराब हो गया, कमर से नीचे नीचे पूरा हिस्सों खराब हो गया, हाथ पाँव बहुत दुख है हमारा। रो आके आखिर रात भी रो हुए हूँ। अभी जैसे आप लेटरिंग ले, बाथरूम ले, सब चीज के आफत है। एक लेडीज के प्रॉब्लम रहे, वहाँ ब्लड की वहाँ भी आफत है हमारे बोर्ड। पिछले दिनों आपको जिला अस्पताल में भर्ती किया था तो क्या वहाँ भी नहीं हुआ उपचार आपका? वहाँ भी नहीं हुआ, रात में भी बैठी थी यहाँ पे। कल रात की कल है परसों के एक दिन रखे हो, 2-3 इंजेक्शन लगाया हाथ में ना। सुबह आई थी नर्स, बोला कि मैं ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाऊँ, तो मैंने हार तो चढ़ाऊ नहीं, मारे काय वैसे भर्ती करी यहाँ की चीजें, इलाज ही चाहिए। भी खुद बोले मैं डॉक्टर हूँ, सब यूज करके इलाज ही नहीं है तो हम क्या इलाज करें बोले। मतलब ले देके आपका उपचार हो ही नहीं रहा? नहीं हो ही रही, इलाज ही नहीं हो रही हमारा। वहाँ पे हूँ, वहाँ लेटरिंग में बाथरूम में सब खड़ा फोन लगा के भैया तुम आओ साफ सफाई। अरे कपड़ा तक नहीं भेजा था मैंने, बिल्कुल। आप क्या चाह रहे हो इनसे, क्या मदद क्या चाहिए आपको? जैसे वहाँ अस्पताल में आई थी चलती फिरती, ऐसी चलती फिरती हमारे घर पहुँचे थे बस। हमारे इलाज चाहिए, भले डॉक्टर कहाँ से भी इलाज करवाए। क्या नाम है आपका? गिरजा कुमार होता है। डॉक्टर एम के जोशी के बुलाओ, ने इलाज करवाओ बस। एक वो महिला जो थी वो रोड पे लड़ गई थी, और श्री राजकीय राजपूत करने से ना दुर्गा देवड़ा देवास जिलाध्यक्ष हूँ मैं। उस लेडीज को पहचानती, लेकिन आज वो परेशान है, इस दौर से हमको इतना बड़ा लेना पड़ा। इतना आज मुझे उसका निर्णय चाहिए। डॉक्टर ने उसका शरीर पूरा यानी कि धड़ रह गया उसका, और पुलिस जब ले जाती है आखिरी बार है, अगली बार जो भी होगा निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी पुलिस ले गई महिला को ना? हाँ महिला को ले गई, अभी का साथ देना पड़ेगा उनका। मैं जिला उपाध्यक्ष प्रीति चौहान। क्या नाम है आपका? प्रीति चौहान, जिला उपाध्यक्ष। सभी साथ दे उनका मिलेगा इंसाफ, नहीं तो कोई नहीं देने वाला इंसाफ।